जय श्री राधे भक्तों, आज हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं श्री शिव गीता का अध्याय 12। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, हे देव महेश्वर, आपको नमस्कार है। आप उपासना की विधि और उसका देश काल वर्णन कीजिए कि किस समय किस प्रकार उपासना की जाए। हे भगवान, हमारे ऊपर आपकी कृपा हो तो उपासना का अंग और नियम कहिए। शिव जी बोले, हे राम, मैं आपसे उपासना की विधि उसका देश काल कहता हूँ, आप मन लगाकर सुनिए। जितने देवता हैं ये सब मेरे ही रूप हैं, वास्तव में मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं। जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करते हैं, वे पुरुष मुझ में ही भेद बुद्धि से यजन करने वाले हैं, जिस कारण कि इस संपूर्ण संसार में मेरे सिवाय और कुछ नहीं है। इसी से मैं सब क्रिया का भोक्ता और सबका फल देने वाला हूँ। जो पुरुष विष्णु शिव गणेश आदि जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, उसी भाव के अनुसार उसी देवता के रूप में मैं उन्हें वांछित फल देता हूँ। विधि से अविधि से किसी प्रकार से हो, जो मेरी उपासना करते हैं मैं उन पर प्रसन्न होकर उन्हें फल देता हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। यद्यपि वह दुराचारी है, परंतु वह अनन्य होकर मेरा भजन करता है, उस पुरुष को साधु ही मानना चाहिए और पुण्यवान है, यह भक्ति की महिमा दिखाई है। परंतु यह निश्चय जानना चाहिए कि अनन्य भक्ति वाला किसी प्रकार दुराचारी नहीं हो सकता। जो एक निष्ठ बुद्धि होकर जीवात्मा परमात्मा को एक ही रूप जानता है, अर्थात जीव रूप भी मुझे ही जानता है और अनन्य बुद्धि से मेरा भजन करता है, उसे पाप स्पर्श नहीं करता, उसे ब्रह्म हत्या भी स्पर्श नहीं करती। उपासना की विधि चार प्रकार की होती है, संपत, आरोप, संवर्ग और अभ्यास। अल्प वस्तु का भी गुण योग से, मनन की वृत्ति से, अनंत गुणों की भावना से चिंतन करना, जैसे कि मूर्ति में अनंत गुण विशिष्ट शिव तथा विष्णु को ध्यान करना, इसका नाम संपत है। एक देश या अंग में संपूर्ण उपास्य वस्तु का आरोप करके जो उपासना करनी है उसे आरोप कहते हैं। आरोप और अध्यास, इनका स्वरूप बहुधा एक सा है, भेद इतना ही है कि बुद्धि पूर्वक किसी एक वस्तु में विवक्षित धर्म का आरोप करके उसकी उपासना करना, जैसे स्त्री पर अग्नि का आरोप, अर्थात स्त्री को अग्नि स्वरूप मानना, ये अभ्यास है। कर्म योग से उपासना करने का नाम संवर्ग है, अर्थात संपूर्ण भूतों को उपासना के योग से वश में करना, जैसे प्रलय काल में संवर्त नामक वायु अपनी शक्तियों से सब भूतों को वश करती है। गुरु से प्राप्त हुए ज्ञान में देवता में और अपने में भेद न मानना, और अंतःकरण से देवता के समीप प्राप्त होना, और अंतःकरण से सब पूजन कल्पित करना, इसका नाम अंतरंग उपासना है। और इसके उपरांत दूसरी विधि से बहिरंग उपासना कहती है। तब इस प्रकार किसी की उपासना करनी और कहाँ तक करनी, किसी भी देवता की उपासना करते हुए ध्यान से उस देवता के स्वरूप का जो ज्ञान होता है, उस ज्ञान को विजातीय ज्ञान से शिव का ध्यान करते हुए कामिनी के ध्यान से मध्य में विच्छिन्न न होकर व्यवधान रहित ज्ञान परंपरा से निदिध्यासना करके ध्यान योग्य देवताओं में अपनी बुद्धि लगाकर एक रूप का साक्षात होने तक उपासना करता रहे। संपदादि जो चार उपासना वर्णन की है, यह दृढ़ बुद्धि की उपासना तथा उपासना की परम अवधि है। और सगुण उपासना इस प्रकार है कि मूर्ति की उपासना करने के समय उसके प्रत्येक अंगों में अक्षय दृष्टि लगाकर उपासना करें। उपासने के योग्य देशों का कथन करते हैं कि तीर्थ और क्षेत्रादिकों में जाने से उपासना होगी, ये विचार ना करें। क्षेत्रादिकों में जाने की श्रद्धा त्याग दें और जहाँ अपना चित्त स्वच्छ और एकाग्र युक्त हो, वहाँ पर सुख से बैठकर उपासना करें। कंबल, मृदु कपास, वस्त्र,
अथवा मृग चर्म पर स्थित होकर के एकांत देश में स्थित हो समान ग्रीवा और शरीर को सरल करें। विधि पूर्वक भस्म धारण करके और संपूर्ण इंद्रियों को रोक कर तथा भक्ति पूर्वक अपने गुरु को प्रणाम करके ज्ञान शास्त्र द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के निमित्त भक्ति से प्राणायाम करें। जिसका अंतःकरण मूल और विवेक शून्य है उसकी इंद्रियां दुष्ट घोड़ों के समान हैं। जैसे दुष्ट घोड़ा सारथी के वश में नहीं आता वैसे ही दुष्ट इंद्रिय वाले उन्हें वश नहीं कर सकते। और जो ज्ञान संपन्न है उनके यत्न करने से संपूर्ण इंद्रिय मन के सहित वश में हो जाती हैं। जिस प्रकार सुशिक्षित अश्व सारथी के वश में हो जाता है। और जो विवेक शून्य चंचल चित्त वाही और अंतर शोच से हीन और अनुभव ज्ञान रहित हैं, वे उस स्थान को नहीं प्राप्त होते परंतु निरंतर संसार में ही भ्रमण करते रहते हैं। जो ज्ञानी स्थिर चित्त वाह्य अभ्यंतर पवित्रता से युक्त हैं, वे उस स्थान को प्राप्त होते हैं जहाँ से फिर आना नहीं होता। यह श्रुति में लिखा है, जिसका विज्ञान रूपी सारथी मन रूपी लगाम धारण किए है, इंद्रिय रूपी घोड़े जुते शरीर रूपी रथ में जो बैठा है, वह संसार रूपी मार्ग से पार होकर परम पद अर्थात मोक्ष पर पहुँच जाता है। हृदय कमल कामादि दोष रहित शमद मादि गुण संपन्न स्वच्छ और शोक रहित करके उसमें मेरा ध्यान करना उचित है। जो अचिंत्य स्वरूप सीमा रहित है जिसके श्रेष्ठ कोई और दूसरा नहीं है, जो नाश रहित कल्याण स्वरूप आदि अंत शून्य प्रशांत और सबका कारण है, सर्वव्यापक सच्चिदानंद स्वरूप रूप रहित उत्पत्ति शून्य आश्रय युक्त मुझ ब्रह्म रूप को शुद्ध स्फटिक मणि की समान शरीर और अर्धांग में पार्वती जी को धारण किए व्याघ्र चर्म ओढ़े नीलकंठ त्रिलोचन जटाजूट धारण किए चंद्रमा शिर पर धरे नागों का यज्ञोपवीत पहने व्याघ्र चर्म का ही उत्तरीय ओढ़े सर्वश्रेष्ठ भक्तों के अभयदाता पीठ की ओर के ऊंचे दोनों हाथों में मृग और परशु धारण किए सब अंग में विभूति लगाए तथा संपूर्ण आभूषणों से भूषित इस प्रकार से आत्मा की अरणी और प्रणव को उत्तर अरणी करके उसका मथन करता हुआ मेरे ऊपर कहे अनुसार ध्यान करें तो यह मेरा साक्षात्कार पाता है। जब यज्ञ को करते हैं तब अग्नि के निमित्त खैर व शमी की दो लकड़ी ले ऊपर नीचे रख अग्नि के निमित्त उसको मथते हैं। वेद वचन और शास्त्रों के वचन मुझे कोई नहीं पा सकते परंतु जो एकाग्र चित्त से सदैव मेरा ध्यान करते हैं मैं उसे प्राप्त होता हूँ और उसे फिर त्याग नहीं करता। जो पाप से परांग मुक्त नहीं जिसकी तृष्णा शांत नहीं श्रवण मनन निधि ध्यासन में जिसका मन समाधान नहीं है जिसका मन चंचल है ऐसा पुरुष केवल शास्त्र के अध्ययन से मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्था में प्रपंच जिस साक्षी रूप अधिष्ठान ब्रह्म स्वरूप के द्वारा प्रकाशित होता है वह ब्रह्म मैं हूँ ऐसा यथार्थ जानने से संपूर्ण बंधनों से मुक्त हो जाता है। तीनों अवस्था में जो भोग पदार्थ जो भोक्ता और भोग्य वस्तु है ये तीनों ब्रह्म की ही सत्ता से कल्पित है। इस प्रकार निर्गुण कथन कर अब फिर मद अधिकारियों को सगुण रूप का उपदेश करते हैं। मध्यान काल के करोड़ों सूर्य के समान तेज युक्त और करोड़ों चंद्रमा के समान शीतल सूर्य चंद्रमा अग्नि जिनके नेत्र हैं, उनके मुखमंडल का स्मरण करें। एक ही परमात्मा संपूर्ण भूतों में गुप्त है सर्वव्यापी और सब भूतों का अंतरात्मा है सबका अध्यक्ष और सब भूतों में निवास करने वाला सबका साक्षी चित्त की प्रेरणा करने वाला निर्लेप और निर्गुण है स्वाधिक सब भूतों का आत्मा वह एक ही देव है माया रूप प्रपंच का बीज प्रकट करते हैं वह पुरुष मैं ही हूँ। मुझको जो धीर पुरुष शास्त्र और आचार्य के उपदेश से साक्षात्कार करते हैं उन्हीं को निरंतर शांति और कैवल्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिस प्रकार से एक ही अग्नि सब संसार में प्रविष्ट होकर उन काष्ठ लोह आदि में सीधे टेढ़े चतुष्कोण आदि रूप से
उसी वस्तु के आकार की हो जाती है। इसी प्रकार सबका अंतरात्मा एक है और शरीर में व्याप्त होने से उसी के आकार सा प्रतीत होता है, यद्यपि उपाधि के वशीभूत होने से भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है। तथापि सर्वलोक के दुख में वह दुखी और सुख में सुखी नहीं होता। जो विद्वान ज्ञानी मुझको सर्वंतर्यामी महान व्यापक स्वप्रकाश माया से रहित आत्मस्वरूप जानते हैं, वही संसार बंधन से मुक्त होते हैं। इसके सिवाय मुक्ति के प्राप्त होने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रथम सृष्टि के आरंभ में मैं ब्रह्मा को उत्पन्न करके उनके निमित्त वेद को उपदेश करता, वही स्तुति के योग्य पुराण पुरुष मैं ही हूँ। जो इस निश्चय से मुझे जानते हैं, वे मृत्यु के मुख से छूट जाते हैं। इस प्रकार शांति आदि गुणों से युक्त हो जो मुझको तत्व से जानते हैं, वे दुखों से छूटकर अंत में मुझको ही प्राप्त करते हैं। तो भक्तों, ये थी अध्याय 12 की कथा। नमो नारायण।